जी अस्सलाम टी ये स्टूडेंट आज का टॉपिक सी एस टू ज़ीरो वन शॉर्ट लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात करेंगे ठीक है और उसके बारे बाद जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वो भी करेंगे और जो टील टी फंक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे और डिस कंडक्टर्स ये भी हम डिस्कस करेंगे डिस्कंडक्टर्स भी हम जो है उसको भी लेके चलेंगे क्लास एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इंटी एक जो ऑब्जेक्ट्स uh, है ठीक है इन दिस वर्ड्स सर्च एज ए पर्सन थिंक अगर कोई चीज़ को वो क्या करता है सर्च करता है सर्च करता है और कॉन्सेप्ट ई सी टी और उसके बारे में डिटेल से बताता है कंसेप्ट एन ऑबजेक्ट डेंटिफाई बाई नेम और नेम की शनाख्त करता है एन ऑबजेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलविंग थिंग्स वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है या ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है क्लास एंड ऑबजेक्टि प्रॉपर्टीज आर द करेक्ट यानी कि ये करैक्टर होते हैं ठीक है ए बी सी ये वाले करैक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन आर एक्शंस कैन बी परफॉर्म्स बाय ऑब्जेक्ट्स। और तमाम किस्म के फंक्शंस हैं वो एक्शंस लेते हैं ठीक है बाय ऑब्जेक्ट्स के जरिए परफॉर्मेंस करते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टी ये एक सेम प्रॉपर्टी है तो एंड ए फंक्शन इज कार्ड क्लास सेम प्रॉपर्टी हो फंक्शंस की वो क्या कहलाती है क्लास कहलाती है ए क्लास डिफाइन द जो आपके करैक्टर्स हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स के वो क्लास uh, के जो डिफाइन करने के करैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं ए टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ये जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट फंक्शंस को या प्रोग्राम को चलाता रहता है वेन इज ऑबजेक्ट इज क्लास इस कॉल कंस्ट्रक्टर तो जब ऑब्जेक्ट्स uh, क्लास जो है क्रिएट uh, हो जाती है ठीक है दी कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न्स, ठीक है ये वापस नहीं करता कॉल बैक नहीं uh, करता फंक्शन को हैज़ ए सेम दैट इज़ ए क्लास ऑफ क्लास कहलाता है द कंस्ट्रक्टर वर्क नॉर्मली फंक्शंस आम तौर पर ये जैसे आम फंक्शंस uh, काम करते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी करता कैन नॉट बी रिटर्न वैल्यू और वैल्यू को रिटर्न नहीं करता जी देखते हैं इसका प्रोग्राम देखें आईओ स्ट्रीम अच्छा इंक्लूड आई स्ट्रीम आ, इंक्लूड कॉन डॉट एच क्लास ठीक हैलो आ गया है उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी और प्राइवेट इंट हमने एन ले लिया पब्लिक ले लिया और उसके बाद हेलो वर्ल्ड ले लिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी आउट क्लास क्रिएट वो अब क्लास क्रिएट होगी और ब्रैकेट जो है जो हमने खोली थी वही बंद कर दी ठीक है उसके बाद अब क्या है कि अब जो है कि ये ब्रैकेट थी इसको हमने क्लोज कर दिया ठीक है वाइड मेन लगा दिए उसके बाद ब्रैकेट को फिर ओपन किया हेलो वर्ल्ड एक्स दबाएंगे तो क्या आएगा ठीक है वाई करेंगे तो क्या आएगा और जी करेंगे तो क्या आएगा और ये प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज हो जाता है एंड हो जाता है ठीक है ये जो हमारा प्रोग्राम था ये कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था सी प्लस प्लस से मैंने पिक किया है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होती हैं यानी कि इसकी किस्में कितनी हैं तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर होता है वो जनरेट करता है कंस्ट्रक्टर को ठीक है कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है ये इंस्ट्रक्शन से निकला हुआ है यानी कि कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है बनाना किस चीज को इफ ए कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंस कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता ठीक है या नहीं डिफाइन करता नहीं कुछ बनती बाय द कंपाइलर जनरेट इट आटोमेटिकली अगर वो कंपाइलर जो है जनरेट ना करे वो चीज़ ठीक है तो दिस कंस्ट्रक्टर हैज़ इन नॉट पैरामीटर ये पैरामीटर नहीं है उसके बाद इट डज इट डज नो ठीक है दी कंपाइलर विल बी क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसकी कोई चीज़ जो है वो कंपाइल uh, नहीं हो सकती नहीं बन सकती कंस्ट्रक्टर की फॉर यानी कि कंपाइलर कोम ना करे तो ये कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है दी बिहेवियर uh, लिखा हुआ है ऑफ़ द कंपाइलर ठीक है कंस्ट्रक्टर व्हाट वी वांट अगर वो चाह भी सके तो कुछ भी नहीं कर सकता डज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड बाय द कंपाइलर डज नॉट निशलाइजेशंस फॉर एस इसके अंदर बात यही की गई है कि जो भी काम करेगा वो कंपाइलर ही करेगा और कंस्ट्रक्टर को जनरेट होने के लिए कंपाइलर को फॉलो करना पड़ेगा सिंपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है ए सिंपल कंस्ट्रक्टर कैन बी निशलाइजेशन विदाउट एनी नीड्स हमें कोई भी चीज़ को निशलाइज़ करने के लिए उसकी वैल्यू को निशलाइज करने के टेक एनी द आर्गोमेंट्स हमें कोई ना कोई uh, आर्गोमेंट्स चाहिए होते हैं वही सो वी राइट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डेट क्लास लाइक यानी डेट ये लिखें ये देखें सात फंक्शन में लिख दिया है, तो हमें ये चीज़ें राइट करनी पड़ेंगी किस में सिंपल कंस्ट्रक्टर में वेन ए राइट सच एज द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आर्गोमेंट्स होगा रूल्स ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो भी उसके रूल्स होंगे उसको फॉलो करेगा uh, दी कंपाइलर कैन नाट बी कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है वो कॉल भी उसे बैग नहीं करेगा जैसे फंक्शंस वगैरह या पॉइंट वगैरह के अंदर कॉल्स की जाती है फंक्शंस को उसके बाद रिटर्न कंस्ट्रकटर रिटर्न बाई द प्रोग्रामिंग विल बी कार्ड वेन वन एवर्स ऑब्जेक्टिव विल इनिशलाइज तो प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर को uh, जो कहलाता है यानी कि वैन एवर एन ऑब्जेक्टिव विल भी जो क्लास है उसको uh, देखना है या उनको बनाने के लिए या इंस्टेंट करने के लिए इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग्स प्रैक्टिस ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए क्या कंस्ट्रक्टर ऑफ ए डिफॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर तो इसकी आगे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की आगे वो कहते हैं कंस्ट्रक्टर विद आर्गोमेंट्स अब इसकी तीसरी टाइप्स क्या है जी नेक्स्ट टाइप पैरामाइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तो इट प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ये एक एग्जाम्पल है क्लास की वो रिटर्न द कंस्ट्रक्टर एज ए फॉलो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेट इंट 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 यानी कितनी भी डाटा टाइप्स लेना चाहें तो ले सकती हैं दिस पैराम पैरलाइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज़ टेक थ्री आर्गोमेंट्स ऑफ द टाइप्स ठीक है कंट्रोल कंट्रोलर uh, ओवरलोडिंग uh, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दी प्रोसेस ऑफ द डिक्लेयरिंग मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्टर विद सेम बट डिफरेंस पैरामीटर्स यानी कि वो कहता है कि हम कोई चीज़ को डिक्लेयर करवाते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं तो विद सेम नेम होता है ठीक है तो बट डिफरेंस जो पैरामीटर्स होते हैं नेम सेम होता है और पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं यानी कि वो सेम नहीं होते डिफरेंट uh, होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाते हैं दी कंस्ट्रक्टर्स विद द सेम नेम मस्ट बी इन ए वन एज ए फॉलोइंग्स नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और सिक्वेंशनल ऑफ पैरामीटर्स ठीक है एक्सप्लेनेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टर तो इसको हम डिस्कस करते हैं दी The मेन पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर initialized इसका मतलब ये होता है कि आ, मकसद इसका मेन जो है एन ऑब्जेक्ट सच एज दइर्स यानी कि इसका ये मकसद है कि निशलाइज किया जाए मैच की जाए ए नाव वर्ल्ड स्टेट कहलाती है यानी इसकी इसको state कहते स्टेट कहते हैं वर्ल्ड स्टेट कहते हैं वर्ल्ड स्टेट आई थिंक लिखा हुआ है दो कंप्यूटर कंप्यूटर सही मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा आ, कंसिडर ऑफ द एग्जाम्पल्स क्लास अगेंस इन दिस एग्जाम्पल्स वी थ्री डाटा मैंबर्स होते इसके अंदर थ्री डाटा के डाटे के मम्बर्स होते हैं डे ऑफ द मंथ ईयर एंड मतलब डे लगा लो उसके बाद मंथ और ईयर ये तीन जो हैं मैंबर्स हैं इंटर उसके बाद क्या है वट विल वैल्यू विल वी गिवन दिस डाटा वेरिएबल टीफार्ट ऑफ इफ करिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास तो अब इसको ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को हम क्या करते हैं डिफाल्ट बाई क्रिएट दीज मीनिज दी वर्ड वर्ल्ड डेट वी गिवन वैल्यू वन टुडे अगर वन दबाएँ तो क्या आ जाए हमारा टुडे आए और फिर क्या आए मंथ आए और फिर उसके बाद ईयर आ जाए यानी वन दबाएँ तो हमारा क्या आ जाए डे आ जाए और टू दबाएँ तो क्या आ जाए मंथ आ जाए और थ्री दबाएँ तो सन आ जाए ऑफ द व्हेन इज द वट वट एवर्स वांट जो हम चाहते हैं वी नाउ इज डिस्क्रिप्ट बींग जो uh, उसके बाद मीनिंगलेस वी uh, वी कैन राइट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास डेट टेक टू आर्गोमेंट्स ऑफ द इंट डे इंट मंथ इंट ईयर्स वही बात कर रहा जो मैंने पहले ही बताई है पुट्स वैल्यू डाटा मे मेम्बर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट यानी फिर वो uh, एक क्लास क्रिएट हो जाएगी ठीक है इसकी एक्सप्लेनेशन यूटिलिटी फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम दी सेकेंड इशूज़ जो uh, इसका सेकंड इश्यूज होते हैं वी यूजली कम टू जो होते हैं विल बी वेल डिक्लेयरिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है दैट क्लास हैज़ बी डाटा ऑन द साइड्स डाटे को क्या किया जाता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर उसको पहले तो कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर किया जाता है सारा कुछ बताया जाता है और इसकी साइड्स को एंड द फंक्शंस ठीक है ये आप अगर काटना चाहें तो काट लें ठीक है यानी कि नॉर्मली प्राइवेट पार्ट होता है हमारे पास ठीक है और नॉर्मली पब्लिक पार्ट भी होता है ठीक है उसके बाद किया है फंक्शंस यानी कि मेथड्स इज नॉर्मली रिटर्न पब्लिक पार्ट्स यानी फंक्शन को पब्लिक पार्ट्स में लिखा जाता है अभी प्रोग्राम आएगा तो आप देखिएगा आर द थ्री फंक्शंस सच एज प्राइवेट क्लास और जो आ, आर देयर थ्री फंक्शन प्राइवेट क्लास यानी उसको प्राइवेट क्लास के अंदर थ्री फंक्शंस को लिखा जाता है एनी uh, उसके बाद आंसर येस फंक्शन इस क्लास मेंनी टू कर कैटागरीज और आंसर को दो कैटागरीज में क्या किया जाता है uh, मतलब uh, बता दिया जाता है वन कैटागरीज कंटेन्स मेम्बर्स एक कैटागरी से वो मेम्बर कंटेन करेगा बनेगी मेम्बर्स के लिए ऑफ ए फंक्शन मल्टीप्लाई दैट इज द डाटा ठीक है दी डाटा डिस्प्ले इट और फिर वो डाटा को डिस्प्ले करवाएगा ठीक है थाट्स वी कैन यूज़ गेट द वैल्यू हम उन सोच विचार के मुताबिक वैल्यू डाटा वैल्यू को क्या करेंगे लेंगे मल्टीप्लाई uh, मल्टीप्लाइट uh, करवाएंगे उसके बाद क्या करेंगे दी आर द फ्शन विच इज़ द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास फिर उसको इंटरफेस uh, हमारे पास होगा मल्टीप्लाई ऑफ द डाटा ऑब्जेक्ट और फिर डाटा ऑब्जेक्टिव की तरफ बट इज़ द समथिंग वी नीड हमें चाहिए होती है जो फंक्शन में दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स जो हमारे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मेंबर फंक्शन में तो क्या करते हैं सपोज द राइट सेट्स डेटा फंक्शन फिर हम एक्सपोज कर लेते हैं डेटे को फंक्शंस के अंदर द डाटा गिवन इज़ द आर्गमेंट्स एंड द इट डज द सेम थिंकिंग डज बाय द कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर एक ही तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में मैंने uh, आप लोगों को अभी ये नया टॉपिक आया है टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है वेन इज़ द ऑब्जेक्ट क्लास इज़ डिस्ट्रॉयड यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई मसला आ जाए इस कार्ड डिस्ट्रक्टर कहलाता है दी डिस्ट्रक्टर इज़ नॉट रिटर्न वैल्यू ये भी वही काम करता है जो कंस्ट्रक्टर करता है इट कैन नॉट बी एनी पार्ट ऑफ पैरामीटर्स कैन नॉट कंसेप्ट ऑफ एनी पार्ट्स इसका पैरामीटर का कोई ताल्लुक नहीं होता इसके साथ दी डिस्ट्रक्टर्स नेम ठीक है और उसको क्या किया जाता है ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना ठीक है इसको इस तरह से इसका नाम रखा जाता है ये ये भी दी नेम ऑफ द क्लास उसके बाद रिटर्न बाय द वर्स ठीक है उसके बाद इसको इस तरह से लिखा जा सकता है उसके बाद कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड ये ओवरलोडेड नहीं है इट मीन्स दी विल बी बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास और ये कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का डिस कंस्ट्रक्टर इस ऑटोमेटिकली इस कार्ड ये बता देता है कि एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो यानी कि ये ख़राब हो गया ऑब्जेक्ट इस तरह से जो जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स करती हैं एज ए नाउ हैव ए फ्री लोकेटेड में लोकेशंस ये जो बिल्कुल फ्री होता है और अनलिस्ट अन जो है ना इेशनस होती हैं इसके अंदर जितना मर्ज़ी कोई चीज़ काम करना चाहें जो इस तरह से एंड अदर प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर इज़ यूज़ टू नॉर्मली पर्पस आम मकसद के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है मेक टू एनी लोकेशंस ठीक है किसी किस्म की लोकेशंस डिसलोकेशंस एंड रिटर्न्स फ्री ऑफ द एच ई पी ये आप लोगों ने थोड़ा सा रख लेना जेन में उसके बाद है द डिस्ट्रक्टर कैन बी जो समलाइज्ड uh, होता है एज ए फॉलविंग किन पे ये आप लोगों ने इसके तीन जो कैटागरीज हैं ये चार हैं ये आप लोगों जेम में रख लेना है दी कंस्ट्रक्टर कैनोट बी ओवरलोडिड ये नहीं होता और डिस्ट्रक्टर कैन भी जो होता है टेक नो आर्गमेंट्स ये वो नहीं लेता दी uh, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी रिटर्न वैल्यू ये वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करता ये इसकी काम है वो बता रहा है सो कैन नॉट बी हैव एनी टाइप्स इसकी कोई और भी आ, जो है रिटर्न टाइप्स रिटर्न नहीं करता टाइप्स भी नहीं है इसकी और नो रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द बॉडी और फिर भी स्टेटमेंट्स को आ, जो है रिटर्न नहीं करता इसके बाद आ, ये आपकी हेडर फाइलें हैं ठीक है डिफ़ाइन द डाटा क्लास हमने क्लास को डिफ़ाइन कर दिया है क्लास डाटा और इंटरफेस ऑफ द क्लास मैंने आप लोगों को बताया था तीन इसके फं अंदर फंक्शंस क्रिएट होते हैं पब्लिक क्लास हो गया और ये देखें ये तीन फंक्शंस हैं ठीक है और उसके बाद क्या है वर् डिस्प्ले हमने इसको डिस्प्ले करा देना स्क्रीन में ठीक है उसके बाद वर्ल्ड सेट डाटा जो डे uh, है वो हमने प्रिंट करवाना है सेटिंग बाय द डे ठीक है और उसके बाद हमने मंथ करवाना ईयर्स कराना यानी कि तीन फंक्शन इसके अंदर दे दिए गए हैं वो क्या है पहले डिफ़ाइन द डाटा उसके बाद आप लोगों का जो है कि इंटरफेस क्लास और पब्लिक इस तरह से ठीक इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेना है ये सारी सारी आउटपुट इसकी uh, जो है इनपुट इसके अंदर है और इसके बाद आप जब इसको रन करेंगे डैप पे तो इसकी आउटपुट शो हो जाएगी और कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इसके अंदर डाटा देख लें अब ये कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम को क्रिएट कर दिया गया है ठीक है तो डाटा इंट इंट अब देखें डाटा इंट यानी कि आपका डे दूसरा क्या है मंथ तीसरा क्या है ईयर्स कंस्ट्रक्टर इसको क्या करेगा इसको जब चलाएगा या इसको डेट देगा पहले फिर डे दे देगा और फिर मंथ देगा ये आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था थोड़ा सा डिटेल में था तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है या आप लोगों को समझ आ रही है या आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं इन आप लोगों को मज़ीद गाइड करने ट्राई करूँगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी और अगर आप पुराने हैं तो कमेंट में बताएं, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और इसको लाइक कर दें ठीक है अल्लाह हाफिज़